Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों से संबंधित इस पूरी चर्चा के श्रृंखला में आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में बातचीत करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आ, उस दौर के राष्ट्रीय नेता थे जिस दौर में कांग्रेस पूरी तरीके से जन आंदोलनों की पार्टी नहीं बनी थी लोकमान्य तिलक ने लगातार यह कोशिश की कि कांग्रेस का जुड़ाव आ, जनता से जुड़े हुए मुद्दों से तो हो ही पर उसके साथ ही साथ वह जनता को जागरूक करके गोलबंदी की राजनीति की तरफ आगे बढ़े यानी कि वह ऐसी राजनीति से क्षुभ्ध थे उनके मन में एक निराशा की भावना थी जिसमें कि लगातार यह कोशिश की जा रही थी कि कुछ पिटीशंस देकर अंग्रेजों को भारतीयों की बुरी स्थिति से अवगत कराया जाए और फिर उनसे यह उम्मीद की जाए कि वे अपनी लोकतांत्रिक और दयालु भावना से भारतीयों की स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे तो इस लिहाज से भारतीय राजनीतिक चेतना को 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में और 19वीं सदी के आखिरी दशक में एक ज़्यादा उग्र रूप देने एक ज़्यादा जन उन्मुखी रूप देने की कोशिश करने वाले महान नेता बाल गंगाधर तिलक थे और आज हम उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे उनके विभिन्न विचारों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे चूँकि इस पूरी एक घंटे के चर्चा में बाल गंगाधर तिलक के सभी वैचारिक आयामों को समेटना मुश्किल है इसलिए मेरी यह कोशिश होगी कि मैं आपको बाल गंगाधर तिलक के विचारों के कुछ प्रमुख सूत्रों से अवगत कराऊँ और उससे पहले मैं आपको उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में भी बताऊंगा सबसे पहले हम जो हमारी पूरी चर्चा होगी उसकी एक रूपरेखा को समझ लेते हैं हम एक आरंभिक जीवन और उनकी राजनीतिक यात्रा की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे उन पर जो राजद्रोह का आरोप लगा उसके बारे में बातचीत करेंगे ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना उनके द्वारा की गई उसके बारे में हमारी चर्चा होगी और लोकमान्य तिलक की कुछ पुस्तकों और राजनीतिक दर्शन के बारे में हमारी बातचीत होगी और उसमें हम राष्ट्रवाद और स्वराज से संबंधित उनके विचारों को देखेंगे और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि तिलक सामाजिक सुधारों की जो पूरी मुहिम उस दौर में चल रही थी उसे कैसे देख रहे थे स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के बारे में उनका क्या विचार था अस्पृश्यता का वो विरोध कर रहे थे तो वो इसे किस रूप में देख रहे थे उन्होंने धर्मांतरण को किस रूप में देखा मुस्लिमों के बारे में उनके क्या विचार थे और फिर हम उनके आर्थिक विचारों की चर्चा करेंगे और कुछ आलोचनात्मक पहलुओं की भी हम बातचीत करेंगे और उसके बाद हम अपने इस चर्चा के निष्कर्ष के रूप में कुछ सूत्रों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक आ, जिनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था और उनका जन्म 30 जुलाई 1856 को हुआ और उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई एक ऐसे भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक समाज सुधारक वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने समय में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की इस बात की कि भारतीयों के भीतर एक चेतना भरे एक ऐसी चेतना आए जिससे कि वो अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं को समझ सकें और उसके प्रति उनके मन में चेतना का विकास हो और वो संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ें तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए थे हुए आ, और भी कई नेता थे पर चूंकि उन्होंने जनता से उन्मुख जनता की ओर उन्मुख जनता की आ, के सवालों से जुड़ी हुई राजनीति पर ज़्यादा जोर दिया इसलिए वो एक तरीके से आ, पहले लोकप्रिय या जन नेता की संज्ञा के हकदार माने जाते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत आ, उनके नायक के रूप में लोकमान्य तिलक आ, जी ब्रिटिश राज के दौरान आ, स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आड़ी तो भी मिणवारच स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा बहुत प्रसिद्ध हुआ और अक्सर ये एक ऐसा नारा था जिसने कि लोगों के भीतर यह चेतना भरी कि असल में जो ब्रिटिश शासन है उससे आगे जाने की उससे आगे देखने की ज़रूरत है क्योंकि अगर हम ब्रिटिश शासन की कुछ कुछ सुधारों को ही सिर्फ स्वीकार करते रहें तो उससे हम पूरी तरीके से स्वराज हासिल नहीं कर सकते हैं या उससे स्वराज हासिल करने का हमारा लक्ष्य धुंधला हो सकता है तो इस नारे ने काफ़ी हद तक लोगों के मन में गहरी चेतना भरने का काम किया लोकमान्य तिलक का जन्म तीस जुलाई अठारह को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले में एक गांव चिकली में हुआ था ये आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाले पहली भारतीय पीढ़ी में से एक थे इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है इन्होंने डक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े, हालांकि उनकी मध्य अभिवृत्ति खासकर जो स्वराज्य हेतु तो लड़ाई के प्रति थी यानी कि कांग्रेस की वो उसके खिलाफ थे हमें यह ध्यान देना होगा जब हम लोकमान्य तिलक की बात करते हैं या उस पीढ़ी के अन्य नेताओं की कि यह वह दौर था जबकि अठारह की क्रांति के बाद स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक तरह की निराशा भी व्याप्त थी अलग अलग भारतीय समूहों में और अंग्रेजों के शासन की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी और इसी दौर में लोकमान्य तिलक जैसे लोग बड़े हो रहे थे लोकमान्य तिलक को इस बात का एहसास था कि जो भारतीय चेतना है या भारतीय लोगों की जो मानसिक स्थिति है वह काफ़ी दबी हुई अवस्था में है और वो अंग्रेजी सरकार का विरोध करना तो दूर की बात है उसकी सीमाओं को भी बहुत गहरे स्तर तक समझने में असमर्थ हैं और इसके लिए आरंभिक स्तर पर उन्होंने एक शिक्षा का मार्ग अपनाया, यानी कि उन्होंने कोशिश की कि शिक्षा के रास्ते से होते हुए भारतीय लोगों के मन में चेतना भरी जाए और उन्होंने कई अन्य प्रयास किए जिसके बारे में हम आगे देखेंगे लेकिन हमें मुख्य रूप से यह बात समझ रखने की आवश्यकता है कि जो लोकमान्य तिलक थे वो अपने समय की जो स्थितियाँ थीं उससे उत्पन्न हुए चिंतक थे क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पर अठारह की क्रांति के बाद या जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं उसके और जो विफल रहा था उसके बाद आ, की परिस्थितियों में वो भारतीय चेतना के विकास के लिए लगातार काम करते हैं वे अपने समय के सबसे बड़े रेडिकल चिंतक के रूप में सामने आते हैं आमूल परिवर्तनवादी चिंतक के रूप में सामने आते हैं उन्होंने इंग्लिश में मराठा व मराठी में केसरी नाम से दो दैनिक समाचार पत्र प्रारंभ किए जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया तो एक जो चेतना के विकास का जो पूरा काम था उसके लिए शिक्षा के साथ साथ तिलक ने अखबारों को भी एक माध्यम के रूप में चुना जिसमें कि वो लोगों को उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति की पुरातनता के प्रति जागरूक तो करते ही थे साथ ही साथ वो शासन व्यवस्था की सीमाओं को दिखाते थे और लोगों के मन में यह भावना भरने की कोशिश करते थे कि जो भारत की दुरावस्था है या उनके जीवन की जो परेशानियां हैं उसके लिए मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन जिम्मेदार है और जब वो कांग्रेस से जुड़े तो उन्हें कांग्रेस के का जो नरमपंथी रवैया था उससे उन्हें काफ़ी तकलीफ थी काफ़ी परेशानी थी और वो एक तरीके से गर्म दल के नेता माने गए जिसके बारे में थोड़े विस्तार से हम आगे और चर्चा करेंगे और 1907 में कांग्रेस भी नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गई और गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ साथ लाला लाजपत राय और श्री विपिन चंद्रपाल शामिल थे और इन तीनों को लाल बाल पाल के रूप में जाना गया और ये देश के जिन जिन अलग अलग भागों से जुड़े हुए थे वहाँ भी उन्होंने ये तीनों अलग अलग भागों के से संबद्ध होने के साथ साथ एक खास तरह के विचार को आगे बढ़ा रहे थे और वो वह विचार यह था कि कांग्रेस को ज़्यादा जन उन्मुखी रवैया अपनाना चाहिए लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ब्रिटिश सत्ता पर जन दबाव बनाना चाहिए और एक खास तरह की जो रणनीति है जिसमें कि कांग्रेस के लोग मिलते थे और कुछ प्रस्ताव पारित करते थे अंग्रेजी शासन की थोड़ी बहुत आलोचना करते थे लेकिन उससे ज़्यादा वो उनसे यह अपेक्षा रखते थे कि वो खुद को सुधारेंगे तो ये प्रवृत्ति जो थी वो इन नेताओं ने इसको काफ़ी नकारा और फिर 1908 में लोकमान्य तिलक ने इसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदुराम बोस के बम हमले का समर्थन किया इन दोनों क्रांतिकारियों ने आ, अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला किया जिसके कारण से इन्हें फांसी की सजा दी गई और एक तरीके से यह एक ऐसी कार्रवाई थी जिसके खुलकर समर्थन में आने से बहुत सारे राजनेता हिचकिचा रहे थे लेकिन लोकमान्य तिलक ने इन दोनों के कामों का समर्थन किया इनकी देशभक्ति की तारीफ की और उसके बाद आ, उन पर देश आ, राजद्रोह का आरोप भी लगा लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य शीर्षक से एक लेख लिखा जिससे ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1908 में और वो मांडला में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया छः वर्षों के लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी हालांकि हम आगे देखेंगे कि उस पूर्ण स्वराज की मांग में भी थोड़ी बहुत सीमाएँ थीं लेकिन उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण काम किया और जिसके बारे में हम आगे आलोचनात्मक परीक्षण भी करने की कोशिश करेंगे वह काम था कि उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश या गणपति पूजा और शिवाजी महोत्सव का मनाना आरंभ किया हर वर्ष और जिसमें कि वो जो लोगों की परंपराएं थीं गणेश गणपति उत्सव से उनका जो पूरा लक्ष्य था वो यही था कि लोग अपनी परंपराओं के बारे में जानें और शिवाजी महोत्सव के पीछे मुख्य लक्ष्य यह था कि जो एक शौर्य की परंपरा रही है लोग उसके प्रति जागरूक हों और अपने अतीत के बारे में जानें और ख़ुद को इस तरीके से गोलबंद करें कि अगर शिवाजी संघर्ष कर सकते थे तो वो भी संघर्ष कर सकते हैं अगर शिवाजी आतताइयों के विरुद्ध लोगों को गोलबंद करते हुए उनका तीखा प्रतिरोध कर सकते हैं तो आम लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हुए अंग्रेजी शासन का विरोध कर सकते हैं हालांकि यह जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें जो देश प्रेम का भाव था वह प्रमुख था अपनी संस्कृति के प्रति एक जुड़ाव की भावना थी वह प्रमुख थी और उसमें जो लोगों के भीतर साहस भरने का एक लक्ष्य था वह प्रमुख था आ, हम आगे यह देखेंगे कि कैसे बहुत से इतिहासकार इसकी सीमाओं को रेखांकित करते हैं विशेष रूप से कि मुस्लिमों के संदर्भ में कि मुस्लिम इस तरह की तमाम कोशिशों से अलग थलग पड़ते गए और वहीं पर एक मुस्लिम सांप्रदायवाद की भावना बढ़ी आगे हम इस पहलू पर विचार करेंगे लेकिन अभी हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि कैसे इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा लोकमान्य तिलक एक खास तरह की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते थे और उस तरह उस राजनीति में उनकी जो प्रमुख कोशिश थी वो यही थी कि एक राष्ट्रीयता की भावना अतीत के प्रति प्रेम की भावना अपनी परंपराओं से जुड़ाव की भावना लोगों के भीतर बढ़े 1905 में नागरी प्रचारणी सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने पूरे भारत के लिए समान लिपि के रूप में देवनागरी की वकालत की और कहा कि समान लिपि की समस्या ऐतिहासिक को ऐतिहासिक आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता है उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से दलील दी कि रोमन लिपि भारतीय भाषाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है उन्होंने कहा था देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए यह एक तरीके से उनके राष्ट्रीय सोच को भी दर्शाता है आ, और निश्चित रूप से हर कोई इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता है लेकिन आ, क्योंकि हर भाषा यह चाहती है कि उसकी अपनी एक आलहदा पहचान बनी रहे तिलक उन पहचानों को ख़त्म करने के बात नहीं करते हैं लेकिन तिलक यह जरूर कहते हैं कि एक लिपि में अगर सारी भाषाएं आएँ तो अच्छा होगा और आ, इसके माध्यम से वो ये भी चाहते थे कि भाषाओं के बीच में संवाद बढ़े तिलक ने एक अन्य महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की और यह काम उन्होंने तब किया जबकि वो जेल से बाहर आ गए थे उन्नीस सौ में उन होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली जिसके कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली बेसेंट आयरलैंड से भारत आई थी और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए या भारतीय लोगों के हक के लिए काफ़ी काम किया और वो लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर जब होमरुल लोक की लीग के लिए काम कर रही थी तो उसमें मुख्य रूप से भारत में स्वराज स्थापित करने पर जोर दिया गया यानी कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जाएं लोग अपने शासन व्यवस्था को अपने जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को देखें यह इस होम रूल लीग के एक मुख्य मांग में था हालांकि यह कोई सत्याग्रह आंदोलन जैसा नहीं था इसमें चार या पांच लोगों की टुकड़ियां बनाई जाती थी, जो पूरे भारत में बड़े बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मतलब समझाया करते थे एनी बेसेंट जी जो कि आयरलैंड से भारत आई थी और उन्होंने वहाँ पर रूल लीग जैसा प्रयोग देखा था उसी तरह का प्रयोग उन्होंने भारत में करने का सोचा तिलक ने 1916 में हुए लखनऊ पैक्ट में भी अहम भूमिका निभाई इसमें कांग्रेस की तरफ से तिलक और मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम जानते हैं कि बाद में उन्होंने पाकिस्तान आ, की आ, मांग को आगे बढ़ाया लेकिन एक समय में वो आ, तिलक के काफ़ी निकट हुआ करते थे और जो लखनऊ पैक्ट था उसके माध्यम से आ, दोनों ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को नज़दीक लाने का काम किया और इसमें जो बातें मानी गई दोनों ने अपने अपने पुराने स्टैंड को छोड़ा जहां कांग्रेस विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की मांग को पहले स्वीकार नहीं कर रही थी वह लखनऊ पैक्ट के बाद इस बात के लिए के लिए तैयार हुई कि वो राज्य के या प्रांतों के जो विधानमंडल हैं वहाँ पर अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिमों की एक पृथक प्रतिनिधित्व या विशेष प्रतिनिधित्व की मांग को मान लेगी और मुस्लिम लीग ने यह कहा कि वह कांग्रेस की जो भी गतिविधियां हैं या जो भी सरकार के प्रति वो संघर्ष करने की योजना बनाएगी या विभिन्न मुद्दों पर उसकी जो राय होगी उसमें वो एक साझापन के साथ कांग्रेस से मिलकर काम करेगी हालांकि यह जुड़ाव बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रह पाया जो कि एक अलग कहानी है और बहुत सारे विद्वान जो हैं वो ये मानते हैं कि असल में लखनऊ पैक्ट एक तरीके से कांग्रेस की जो का जो पुराना स्टैंड था उसे पीछे हटने के रूप में भी था और यह एक तरीके से मुस्लिम लीग की जो दबाव की पृथकतावाद की जो राजनीति थी उसके सामने घुटना टेकने की तरह भी था क्योंकि मुस्लिम लीग की जो प्रमुख मांग थी कि एक अलग या विशेष रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुस्लिमों का उसको कांग्रेस ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया जिसे वो पहले स्वीकार नहीं कर रही थी धीरे धीरे एक राजनीतिक यथार्थवाद का स्वरूप भी आ, तिलक की राजनीति में दिखने लगा लखनऊ पैक्ट उसका एक उदाहरण था 1919 में लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू चैम्सपोर्ट सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधायी परिषद के चुनाव के बहिष्कार की गांधी जी की नीति का विरोध किया इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारों भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उनके प्रत्युत्तरपूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें एक तरीके से बाद में जो एक स्वराज पार्टी बनती है जिसमें कि मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी एक पूर्व गामी या हम कह सकते हैं पहले के विचार क्योंकि बाद में तिलक जी का देहांत हो जाता है 1920 में पर वो एक विचार तिलक के लेखन में या तिलक ने जिस तरीके से इन मुद्दों को सामने रखा उसमें दिखता है यानी कि वो ये मानते थे कि सीधे तौर पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीयों को हिस्सेदारी की बात कही गई है मॉन्टेग्यू चैम्सपोर सुधार में उसको नकारना बहुत अच्छी रणनीति नहीं है उसका पूरी तरीके से बहिष्कार अच्छी रणनीति नहीं है बल्कि वो जो रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है उसमें कांग्रेस को या भारतीय लोगों को हिस्सेदारी लेनी चाहिए और वहाँ पर जाकर वो बहुत ही सजग रूप में भारतीयों के हितों का बढ़ा को बढ़ावा दें उनके हितों से जुड़े प्रश्नों को उठाएं सरकार को घेरने का काम करें इस तरह की रणनीति पर तिलक जोर दे रहे थे और जैसे मैंने आपको बताया कि बाद में स्वराज पार्टी जो बनी जिसमें कि पी सॉरी जिसमें कि चित्रंजन दास और आ, आ, दूसरे जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसने भी इन्हीं सारे आयामों को पर जोर दिया लेकिन आ, तिलक की मृत्यु हो जाती है 1920 में और वो नए सुधारों को निर्णायक दिशा में आगे नहीं बढ़ा पाते हैं एक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन उनका जो पूरा जीवन था जिसके कुछ महत्वपूर्ण आयामों पर मैंने चर्चा की वह एक तरीके से जो राष्ट्रीय राजनीति थी उसको एक दिशा देने के लिए समर्पित था और तिलक उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हालांकि एक राजनेता के रूप में उनके नज़रिए में कुछ कुछ बदलाव भी दिखता है जहां वो पूरी तरीके से नकारते हैं एक गर्म दल के नेता के रूप में कांग्रेस के पिटिशन देने की पॉलिसी को वहीं वो उन्नीस आते आते आ, गांधी की जो एक बहिष्कारवादी नीति उभर कर सामने आ रही थी उसको भी प्रश्नांकित करते हैं और उनका कहना होता है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे प्रस्तावों को स्वीकार करना चाहिए लेकिन कुल मिलाकर जो एक चेतना भरने का काम था भारतीय जनमानस में उसे करने में तिलक काफ़ी सफल होते हैं लोकमान्य तिलक ने कई पुस्तकों की भी रचना की और उसमें जो श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या थी जिसको कि उन्होंने मांडले मांडले जेल में जो बर्मा में वो थे वहाँ पर गीता रहस्य के नाम से लिखा उसे उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना के रूप में माना जाता है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ उनकी लिखी हुई सभी पुस्तकों का विवरण हम दे सकते हैं और उसको हमें जानना चाहिए आ, आ, उसका मैं नाम आपको बता देता हूँ द ओरियन दूसरा द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास ये 1903 में प्रकाशित हुई थी श्रीमद् गीता रहस्य ये उन्होंने मांडले जेल में लिखा था द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ इथिक्स एंड रिलीजन ये अठारह में प्रकाशित हुई थी वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वैदिक ज्योतिष तिलक पंचांग पद्धति इसका कुछ स्थानों पर अभी भी उपयोग होता है विशेषकर कोंकण पश्चिम महाराष्ट्र आदि में श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं अन्य को लिखे लोकमान्य तिलक के पत्र और उसके बाद रविंद्र कुमार ने सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का संपादन किया जो 1880 से अठारह के बीच में उन्होंने अलग अलग समय पर उनके दिए गए भाषण या उनके लेखों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है हम अभी आगे तिलक के राजनीतिक दर्शन और स्वराज और राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई उनके विभिन्न विचारों पर ध्यान देंगे आ, वीपी वर्मा यह मानते हैं कि तिलक के राजनीतिक दर्शन की बुनियाद भारतीय परंपराओं के साथ ही साथ समकालीन पश्चिमी राजनीतिक और कानूनी चिंतन की कुछ धाराओं से जुड़ी हुई है वे वेदांत के साथ ही साथ आधुनिक पश्चिम की राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित थे वेदांत से उन्होंने स्वतंत्रता की सर्वोच्चता के विचार को ग्रहण किया और इसे उन्होंने होमरूल आंदोलन के आत्मा की संज्ञा दी वेदांत स्वतंत्रता को व्यक्ति की आत्मा का मूल तत्व मानता है जो ईश्वर से पृथक नहीं है बल्कि उसका अभिन्न भाग है उनकी मुख्य चिंता भारत की राजनीतिक मुक्ति थी इसलिए उनके राजनीतिक विचारों और दृष्टिकोणों में यथार्थवाद का एक तत्व मौजूद है उन्होंने कांग्रेस के एक धड़े की नरमपंथी राजनीति का विरोध किया उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार को याचिकाएं देने से भारत का भला नहीं होगा उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूती के लिए उससे आम लोगों का जुड़ना आवश्यक है उन्हें कांग्रेस के गर्म दल का नेता कहा जाता था और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता था और इन्हें गरम दल की जो कांग्रेस के भीतर की राजनीति थी उसकी धुरी माना जाता था 1907 में कांग्रेस का इसी कारण से विभाजन हुआ और बाद में फिर कांग्रेस में ये लोग वापस जुड़े भी लेकिन जो मुख्य बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर कि जो तिलक का राजनीतिक दर्शन था वह उस समय की कई नेताओं की तरह ही या कई विचारकों की तरह ही जो कि हिंदू थे हिंदू समाज से आते थे उसमें वो वेदांत की बात काफ़ी गहराई से सामने आती है भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति से या हम इसको दूसरे शब्दों में हिंदू परंपरा और हिंदू संस्कृति की भी संज्ञा दे सकते हैं उससे गहरा जुड़ाव और उससे कुछ तत्वों को ढूँढ कर लाना जिससे भारतीय जनमानस के भीतर आत्मविश्वास और भविष्य में एक मुक्त समाज बनाने की एक चाह को पैदा करने की कोशिश ये जो पहलू था वो काफ़ी मजबूती से अन्य कई यानी कि हम स्वामी विवेकानंद और दूसरे कई लोगों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं उसके साथ साथ आ, जो तिलक थे उनके लेखन में भी सामने आता है लेकिन तिलक ज़्यादा खुले रूप में राजनीति में सक्रिय थे वो अखबार चलाते थे उन्होंने स्कूलों की स्थापना की थी और वो देश विदेश की जो समस्याएं थी उनके प्रति तो जागरूक थे ही जो अन्य देशों में अलग अलग तरीके के एक आ, राजनीतिक व्यवस्थाएं बन रही थीं उनके बारे में भी उनकी जिज्ञासा थी थी और वो जानते थे तो वो इस रूप में एक ऐसे राष्ट्रवाद की संकल्पना लेकर सामने आते हैं जो कि मुक्ति के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े जो मनुष्य की स्वतंत्रता को सबसे बुनियादी और सबसे मूल तत्व तो माने लेकिन इसके साथ ही साथ वो एक यथार्थवादी राजनेता के रूप में एक जो आदर्श राष्ट्र की स्थिति हो सकती है उस और भारत को बढ़ाने के लिए ज़्यादा यथार्थवादी संघर्ष पर जोर देते हैं और यहीं पर उनका कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं से जिसमें कि गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरे कई लोग सम्मिलित थे दादा भाई नौरोजी भी उसमें शामिल थे उनसे एक तरह का टकराव सामने आता है इस टकराव का मतलब यह कहते नहीं था कि दोनों लोगों में यानी कि दोनों समूहों में एक किसी तरह का अनादर एक दूसरे के प्रति था जो मुख्य मसला था वह इस बात को लेकर था कि आगे बढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए जहाँ नरमपंथी दल के नेता यह मानते थे कि अगर हम पिटिशन्स देते हैं अगर हम अंग्रेजी सरकार की कमियों के बारे में अंग्रेजों को बताते हैं तो शायद आ, वो इन कमियों को सुधार लें और ख़ासतौर पे यह भरोसा इसलिए पैदा होता था क्योंकि खुद इंग्लैंड में काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक व्यवस्था काम कर रही थी तो लोगों को यह लगता था कि इस तरह के सुधार हो सकते हैं और जैसे मैंने पहले भी संकेत किया है कि तिलक इस तरह की बातों से बिल्कुल ही आ, एक उनके भीतर संतोष की भावना नहीं आती थी और वो ये चाहते थे कि भारतीय राजनीति में लोगों को जोड़ा जाए और एक असंतोष की भावना लोगों में पैदा की जाए जो मौजूदा स्थिति है उसमें और यही एक अलगाव का कारण बना और ये एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में अगर आप चाहें आधुनिक इतिहास के विद्यार्थी हों या राजनीति शास्त्र के आप इस बात से वाकिफ होंगे और आपको होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था अब अगर हम आगे बढ़ें और तिलक के राष्ट्रवाद और स्वराज के विचारों पर थोड़ी गहराई से ध्यान दें तो हम यह पाते हैं कि तिलक राष्ट्र का जो राष्ट्रवाद है वह एक दृश्यमान और ठोस वस्तु नहीं है बल्कि यह एक संवेदना भावना और विचार है वे मानते हैं कि राष्ट्रवाद सिर्फ पश्चिमी उदारवादी लेखकों के सिद्धांतों में निहित नहीं है बल्कि भारतीय लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं में निहित है इसे हासिल करने में देश के महान व्यक्तित्व का ऐतिहासिक स्मरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तिलक ने एक ऐसे भारतीय राष्ट्रवाद की परिकल्पना की जो वेद और गीता की आध्यात्मिक ऊर्जा और नैतिक उत्साह से परिपूर्ण हो वे हम मानते हैं कि भारत की पुरातन संस्कृति के स्वस्थ और जीवंत परंपराओं की प्राप्ति आवश्यक है वे यह नहीं चाहते थे कि भारत की संस्थाएँ अंग्रेजीकृत हों तथा सामाजिक और राष्ट्रीय सुधारों के नाम पर उन्हें विराष्ट्रीकृत किया जाए इसलिए इसीलिए उन्होंने 1986 से शिवाजी महोत्सव और गणपति पूजा की शुरुआत की यहाँ इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा कि पश्चिम से में होने वाली घटनाओं पश्चिम की जो राजनीतिक उथल पुथल थे वहाँ जिस रूप में राष्ट्रवाद भरकर सामने आ रहा था उसके बारे में पूरी जानकारी होने के बाद भी जो तिलक हैं वो पूरी तरीके से पश्चिम के रंग में और वहाँ के संस्थाओं के रंग में भारत को नहीं रंगना चाहते हैं और वो बार बार इसके बारे में अपने आ, समय के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो भारत की जो पूरी एक राष्ट्रत्व की भावना है जिसमें कि सभी भारतीय लोग एक दूसरे से जुड़ें उसका जो आधार है वो पुराने ग्रंथों में विशेष रूप से वेदों में या गीता में ढूंढा जा सकता है और उसी के माध्यम से हम एक जुड़ाव विकसित कर सकते हैं तो ये उनके उनका जो राष्ट्रवाद है उसकी जो एक प्रमुख विशेषता है कि वो संवेदना भावना और पुरातन मूल्यों यानी कि गीता और वेदों के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रवाद की का विकास करते हैं और तिलक ने इसी आधार पर स्वराज्य की मांग स्वर को भी सामने रखा वे इस बात पर जोर देते हैं कि स्वराज्य या स्वराज सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं है बल्कि धर्म भी है उन्होंने स्वराज को नैतिक और आध्यात्मिक अर्थ भी प्रदान किया राजनीतिक रूप से स्वराज का अर्थ स्वशासन है नैतिक रूप से इसका अर्थ आत्मनियंत्रण की पूर्णता को हासिल करना है जो अपने स्वधर्म या अपने कर्तव्य के पालन के लिए अनिवार्य है तो इस अर्थ इसका मतलब ये भी है कि वो सिर्फ राजनीतिक स्वराज की बात तक ही सीमित नहीं रखते हैं खुद को बल्कि व्यक्ति कुछ रूप में अपने आ, स्वराज को हासिल कर सकता है व्यक्तिगत स्तर पर उसकी विवेचना भी प्रस्तुत करते हैं और वो ये कहते हैं कि जब व्यक्ति आत्मनियंत्रण की स्थिति में आ जाता है जब वह आ, विभिन्न प्रकार के लालच या आवेगों या मनोवेगों से मुक्त होकर काम करना सीख जाता है तो वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वो खुद के लिए स्वराज प्राप्त करता है और वह अपने स्वधर्म या अपने कर्तव्यों के प्रति इस स्थिति में ज़्यादा जागरूक रूप से काम कर सकता है तिलक कहते हैं कि इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है क्योंकि यह आध्यात्मिक आंतरिक स्वतंत्रता तथा चिंतनमूलक आनंद की प्राप्ति से संबंधित है तिलक ने यह नारा दिया कि स्वराज भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है लेकिन लोकमान्य तिलक ने अपने लेखन और संबोधनों में हमेशा ही यह स्पष्ट किया कि स्वराज का तात्पर्य ब्रिटिश संप्रभुता का पूर्ण निषेध और उससे संबंधों को पूरी तरह खत्म करना नहीं है यहाँ थोड़ा सा हमें इस चीज़ को समझ कर रखने की समझने की ज़रूरत है कि जिस दौर में लोकमान्य तिलक काम कर रहे थे उस दौर में जो राजनीतिक चेतना की स्थिति थी उसमें वो यह मांग पूरी तरीके से नहीं रख पाए कि अंग्रेज जो हैं वो पूर्ण आज़ादी भारत को दे दें हालांकि कई बार उनके जो समर्थक हैं या उनके जो प्रशंसक हैं वो इस पूर्ण आज़ादी की बात को उनके लेखन और विचारों से जोड़ते हैं लेकिन मुख्य रूप से तिलक एक स्वराज की प्राप्ति करना चाहते थे जिसमें कि भारतीय लोगों की हिस्सेदारी शासन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े साथ ही साथ भारत के लोग अपने ऊपर नियंत्रण रखें और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मुक्त करें अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक हों लेकिन इन सब की जो एक चरम परिणति होनी चाहिए वो ये कि अंग्रेज पूरी तरीके से देश को छोड़कर चले जाएं, उस समय के हिसाब से वह विचार इतने मैच्योर या इतनी प्रौढ़ अवस्था तक नहीं पहुंच पाया था कि भारत के लोग भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो पाए मिसाल के तौर पर जो नरमपंथी समूह थे उनकी राजनीति पूरी तरीके से पिटिशन्स और अंग्रेजों की एक बहुत ही नरम आलोचना तक सीमित थी तो तिलक इससे काफ़ी आगे जाते हैं लेकिन तिलक बार बार अपने लेखन और संबोधन में वो यह स्पष्ट करते हैं कि वो जो ब्रिटिश संप्रभुता है उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहते हैं लेकिन यह ज़रूर है कि वो भारतीयों को उनका स्वराज इस अर्थ में देना चाहते हैं कि वो अपने शासन की अपने जीवन की तमाम पहलुओं के बारे में खुद फैसला लेने की स्थिति में हों जो कि आखिर में जाकर अंग्रेजों की संप्रभुता को ख़त्म करने की ओर ही जाता है और बाद में हम देखते हैं कि कांग्रेस इस दिशा में काफ़ी आगे भी बढ़ती है बहरहाल तिलक का जो एक अगर हम सामाजिक सुधारों के मुद्दे पे आए तो तिलक का एक आ, अलग रूप सामने आता है कई लोग आ, इसकी सीमाओं पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं आ, लेकिन तिलक एक ख़ास तरीके की सोच एक ख़ास तरीके के विचार से काम कर रहे थे और उन्होंने आ, 1880 और उसके बाद के दौर में महाराष्ट्र में सामाजिक सुधारों पर ज़्यादा जोर जो दिया जा रहा था उसको थोड़ा सा संदेह की निगाह से देखना शुरू किया जो आ, सामाजिक सुधारों पर जोर दिया जा रहा था 1880 के दशक में उसमें वंचित समूहों को हिंदू समाज से जोड़ने अस्पृश्यता को ख़त्म करने तथा महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने पर बल दिया जा रहा था लेकिन तिलक का यह मानना था कि सामाजिक सुधारों से पहले राजनीतिक आज़ादी पर ध्यान देना चाहिए इस संदर्भ में उनका विचार गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल गणेश अगरकर से भिन्न था ये दोनों नेता यह मानते थे कि समाज सुधारों को राजनीतिक आज़ादी जितना ही महत्व देने की आवश्यकता है तिलक को की आशंका यह थी कि यदि कांग्रेस सामाजिक सुधारों पर जोर देती है तो आम लोग इससे दूर हो जाएंगे यह आशंका आ, कुछ हद तक इस आ, विचार से भी उपजी हुई लगती है कि उस समय ज़्यादातर लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे वो समाज के उच्च जातियों से आते थे और ऐसे में अगर सामाजिक सुधारों की बात की जाती है जो कि कई बार लोगों की धार्मिक मान्यताओं की काफ़ी करीब चली जाती थी यानी कि बहुत सारे परिवारों में अगर उदाहरण के तौर पर अस्पृश्यता का पालन किया जाता था या महिलाओं की या विधवा महिलाओं की खास तरह की भूमिका पर जोर दिया जाता था तो तिलक को ऐसा लगता था कि अगर इस तरीके के मुद्दों को हम बार बार उठाएंगे तो जो मुख्य राजनीतिक मुद्दा है उससे हम पीछे हट जाएंगे उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा और अरविंद घोष ने तिलक की इन विचारों का यह कहते हुए समर्थन किया कि तिलक यह नहीं चाहते हैं कि सामाजिक सुधारों पर जोर देने के कारण राष्ट्र युद्धरत गुटों में बट जाए अब राष्ट्र युद्धरत गुटों में बट जाए यह आशंका इसी बात से निकलती थी कि जब अलग अलग समूह अपने अलग अलग मांगों को रखेंगे और कुछ समूह होंगे जो पुरातन मूल्यों को ही कायम रखने की बात करेंगे तो ऐसे में एक विभेद पैदा होगा जिससे कि जो एक मुख्य लक्ष्य है देश की आज़ादी का वह पीछे छूट जाएगा और लोग राजनीतिक अधिकारों से ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने पर ही ध्यान देने लगेंगे अठारह में तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन में सुधारवादी सोशल कॉन्फ्रेंस का पंडाल लगाए जाने का तीखा विरोध किया और ये जो सोशल कॉन्फ्रेंस के जो लोग से जुड़े हुए लोग थे उसमें से कई सारे लोग कांग्रेस के ही थे और वो ये चाहते थे कि जो सामाजिक सुधार का मुद्दा है वह भी लगातार तेजी से आ, सामने आए और वो आगे बढ़ें तिलक हम मानते थे कि राजनीतिक आज़ादी मिलने के बाद धीरे 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 करके सामाजिक बदलाव लाए जा सकते हैं और बाद में हम देखेंगे कि कांग्रेस के भीतर यह एक धारा के रूप में कायम रहा बल्कि कई सारे विचारक यह भी मानते हैं कि एक बार जब सोशल कॉन्फ्रेंस के पंडाल को कांग्रेस के अधिवेशन से दूर कर दिया गया तो सामाजिक सुधार का मुद्दा काफ़ी हद तक पीछे चला गया बाद में गांधी ने यह कोशिश की कि वो दलितों के हितों को लेकर राजनीति को आगे बढ़ाएं और ख़ासतौर पे 30 के दशक में उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया लेकिन जो एक मुद्दा था सामाजिक सुधार को पहले प्राथमिकता दें या राजनीतिक सुधार को तो उसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेता जिसमें जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ हद तक सुभाष चंद्र बोस ये लोग राजनीतिक आज़ादी के पक्ष में ज़्यादा थे और तिलक की तरह इन्हें भी लगता था कि एक बार राजनीतिक सत्ता अगर हाथ में आ जाती है तो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं जितनी भी समस्याएँ हैं चाहे महिला अधिकारों का प्रश्न हो या समाज के वंचित तबकों का प्रश्न हो या फिर आर्थिक असमानता का प्रश्न हो इन सब चीज़ों को सुलझाया जा सकता है जो ज़्यादा बड़ा काम है वह यह है कि देश को राजनीतिक शक्ति मिले देश के लोगों को राजनीतिक शक्ति मिले और आखिरकार देश को पूर्ण आज़ादी भी मिले तो इस लिहाज से एक वैचारिक धारा थी और उसमें तिलक अपने आप को एक जगह रखते हैं एक खास तरीके के विचारों पर वो जोर देते हैं लेकिन आगे हम ये देखेंगे कि कई मामलों पर तिलक भले ही रूढ़िवादी आए पर कई मामलों पर उन्होंने बहुत ही मजबूती से एक स्टैंड भी लिया जो कि परिवर्तन की ओर स्टैंड था जो कि समाज में बदलाव की बात करता था अगर हम स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के उनके से संबंधित उनके विचारों को देखें तो हम ये देखेंगे कि तिलक आ, जो थे वो स्त्री शिक्षा का समर्थन करते थे आ, और लेकिन वहाँ पर कुछ सीमाएँ जरूर आती हैं मिसाल के तौर पर वो लड़कों और लड़कियों को स्कूलों में सशिक्षा देने के समर्थक नहीं थे जब 1888 में इस तरह का प्रस्ताव आया तो उन्होंने यह कहा कि महिलाओं को परिवार के भीतर अलग तरह की भूमिका का निर्वहन करना होता है इसलिए उनका पाठ्यक्रम में उनका पाठ्यक्रम भिन्न होना चाहिए इसलिए लड़कों और लड़कियों को के लिए अलग स्कूल और कॉलेज होना चाहिए अब ये एक ऐसा विचार है जिस पर कई तरह की नारेवादी आलोचनाएं की जा सकती हैं मिसाल के तौर पर यह कहा जा सकता है कि तिलक पूरे तौर पर महिलाओं की भूमिका को घर के कामों से ही जोड़कर देखते हैं और वो यह नहीं मान पाते हैं कि महिलाएं इससे आगे जाकर बहुत सारा काम कर सकती हैं और यहाँ पर मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि एक तरीके से जो अलग अलग धाराएँ उस दौर में चल रही थी विशेष रूप से पंडिता रामाबाई का जो काम था वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही उभर कर सामने आ रहा था और इसके अलावा दूसरे कई आ, चिंतक थे मिसाल के तौर पर ज्योतिबा फुले जो कि उसी दौर में उन्हीं क्षेत्र में काम कर रहे थे उनकी विचारों में से तिलक काफ़ी असहज होते थे खासतौर पर उन्होंने पंडिता रमाबाई को किसी तरह का आइकॉन मानने से इनकार कर दिया पंडिता रमाबाई जो थी वो विधवा महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रही थी बहरहाल हमें यह ध्यान रखना होगा जैसे मैंने पहले बताया कि तिलक एक खास तरीके की पृष्ठभूमि से आ रहे थे और उनकी जो चाह थी वो ये थी कि भारत राजनीतिक अधिकारों की ओर आगे बढ़े और कई तरह की सुधारों को वो अपने जीवन काल में बहुत स्वाभाविक मानते हुए स्वीकार नहीं कर पा रहे थे आ, इसका कारण यह था कि उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी वो एक ऐसे परिवार से जुड़ी हुई थी जो कि ब्राह्मण परिवार था जो कि पुरातन सामाजिक मूल्यों को मानता था तो आ, ये एक आ, जो एक कंजर्वेटिव एलिमेंट है वो तिलक के विचारों में हमें मौजूद दिखता है आ, विवाह की उम्र बढ़ाए जाने के बारे में उनके विचारों में भी एक तरह का अंतर्विरोध आता है आ, जब सोशल कॉन्फ्रेंस के का अठारह और इक्यानवे का सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर उन्होंने विवाह का उम्र बढ़ाए जाने की तरफदारी की सीधे तौर पर उसको नकारा नहीं लेकिन जब अठारह में एज ऑफ कॉन्सेंट बिल लाया गया जिसमें विवाह की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का प्रस्ताव था तो उन्होंने इसका विरोध किया केसरी में एक लेख लिखकर उन्होंने इसे हिंदू धार्मिक व्यवहारों में हस्तक्षेप की संज्ञा दी हालांकि उनके विरोध के बावजूद यह विधेयक पारित हो गया और आ, फिर तिलक ने अठारह में सोशल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया लेकिन उन्होंने सोशल कॉन्फ्रेंस के इस प्रस्ताव में एक संशोधन जोड़ा कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थकों को खुद ऐसा करके इस मुहिम में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए आ, तो ये एक जो पूरी विचार या अंतर्विरोध की जो यात्रा है उसको जैसा मैंने पहले कहा कि हमें तिलक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही समझना चाहिए और निश्चित रूप से इन सीमाओं की तरफदारी नहीं की जा सकती है लेकिन फिर भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि एक चिंतक के रूप में तिलक की बड़ी चिंताएँ क्या थीं और कैसे वो चाहते थे कि सामाजिक सुधार धीरे धीरे हों या फिर राजनीतिक आज़ादी मिल जाने के बाद में हो वो यह भी मानते थे कि सामाजिक सुधारों का मुद्दा उठाना एक तरीके से भारत की जो राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई है उसको कमजोर करने करना है अस्पृश्यता के बारे में उनका विचार काफ़ी एक अपने समय में रेडिकल माना जा सकता है उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया उन्होंने अस्पृश्यों को अछूतों को सामाजिक जीवन में बराबरी पर लाने पर बल दिया उनके द्वारा आयोजित गणेश उत्सव में अछूतों को भी अपनी मूर्ति स्थापित करने का अधिकार था ये लोग अन्य समूहों के साथ अपनी झांकी निकाल सकते थे 25 मार्च 1918 को बम्बई में वंचित वर्गों के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी भारतीय एक ही माता के संतान हैं और छुआछूत को आध्यात्मिक या नैतिक किसी भी आधार पर सही नहीं माना जा सकता उन्होंने कहा यदि ईश्वर अस्पृश्यता को स्वीकार करते तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता लेकिन अस्पृश्यता का विरोध करने के बावजूद तिलक पूरी तरीके से जाति व्यवस्था को खारिज नहीं करते हैं वर्ण व्यवस्था में उनका भरोसा बना रहता है इसके कारण से समकालीन समय में वर्तमान समय में कई तरह के जो दलित चिंतक हैं या जो पिछड़े जातियों से जुड़े हुए विद्वान हैं वह तिलक के विचारों को आ, नकारते भी हैं उस पर गहरा सवाल खड़ा करते हैं आ, और उनका यह मानना है कि तिलक इस तरीके के, के विविध मुद्दों पर बहुत मजबूत स्टैंड नहीं ले पाए या दूसरे शब्दों में तो यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने एक तरीके से आ, इस तरह की पूरी व्यवस्था में बहुत गहरी समस्या नहीं देखी अस्पृश्यता का उन्होंने ज़रूर खंडन किया उसे बुरा माना एक आ, जो सवाल जो कि मैंने शुरू में उठाया था शिवाजी महोत्सव और गणपति पूजा के संदर्भ में आ, कि मुस्लिमों के बारे में तिलक के क्या विचार थे बहुत से विचारकों और इतिहासकारों ने तिलक की राजनीति के कई आयामों को मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति के उभार के लिए ज़िम्मेदार माना इनका मुख्य तर्क यह रहा है कि तिलक द्वारा हिंदू प्रतीकों के प्रयोग ने मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना पैदा की और इससे उनके भीतर अलगाव और सम्प्रदायवाद को बढ़ावा मिला तिलक के लेखन का पूरा जो एक आधार है या राष्ट्रवाद की जो उनकी पूरी संकल्पना है उसमें जो हिंदू मूल्य हैं जो कि हिंदू ग्रंथों से उभर कर सामने आते हैं उनका प्रमुख स्थान है और जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधि वो करते हैं उसमें वो ऐसे प्रतीकों को चुनते हैं जिसमें कि हिंदू प्रतीक जिन हिंदू प्रतीक की संज्ञा दी जा सकती है तो इस लिहाज से यह कहा जा सकता है या कहा जाता रहा है कि ये सारी गतिविधियाँ जो हैं वो मुस्लिमों के अलगाव को बढ़ाने वाली थीं ब्रिटिश इतिहासकार जेसी पॉवेल प्राइस ने उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिमों का विरोधी करार दिया रजनी पाम दत्त जो कि प्रसिद्ध मार्क्सवादी इतिहासकार थे उनके अनुसार तिलक और अरविंद के कारण आ, मुस्लिमों में राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक्तावाद बढ़ा क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यह जो पूरा आंदोलन है वो हिंदुओं का आंदोलन है उन्हें ऐसा लगा कि अगर अंग्रेज चले जाते हैं और देश को आज़ादी मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान में या भारत में हिंदुओं का राज स्थापित हो सकता है तो रजनी पामदद के अनुसार जब मुस्लिम विद्वानों को मुस्लिम चिंतकों को मुस्लिमों के, के बीच पढ़े लिखे लोगों को यह लगा तो उनकी भीतर एक पृथकतावाद की भावना भी बढ़ी लेकिन आ, कुछ एक बातें हमें तिलक के बारे में आ, समझने की आवश्यकता है तिलक ने लखनऊ पैक्ट में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसका बुनियादी लक्ष्य यह था कि कांग्रेस अपने एक पुराने स्टैंड से हट रही थी और तिलक ने इसका समर्थन किया और वह स्टैंड यह था कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज़ को उसकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर उसके पीछे हटने में एक जो मुख्य लक्ष्य था वो यह था कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर एक साझा मंच तैयार किया जाए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में साझापन बढ़े और इसके माध्यम से जो अंग्रेज हैं या औपनिवेशिक शासन जो है उसका एक समन्वित विरोध सामने आए और अपनी मृत्यु से पूर्व तिलक ने यह भी कहा था क्योंकि उस समय खिलाफत आंदोलन की कुछ कुछ बातें सामने आने लगी थी कि यदि अधिकांश मुस्लिम खिलाफत आंदोलन को सही मानते हैं तो वो भी उसका समर्थन करेंगे इसके अलावा कई ऐसे मुस्लिम नेता हुए जो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे उन्होंने भी तिलक की काफ़ी तारीफ़ की जिन्ना और हसन इमाम जैसे नेताओं ने उनकी राष्ट्रवादी भावना और मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति की प्रशंसा की हसरत मोहानी जैसे नेताओं ने उन्हें अपनी युवावस्था का आदर्श नेता घोषित किया तो इस लिहाज से आ, वो एक प्रेरणा स्रोत भी थे युवाओं के लिए चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो आ, क्योंकि वो एक ऐसी आ, ऐसी बातें कह रहे थे जो कि बहुत सारे नरमपंथी नेता नहीं कह पा रहे थे और वो बातें इस बात से संबंधित वो इस बुनियादी मूल्य से संबंधित थी कि हिंदुस्तान के लोगों को अपने शासन का अधिकार संचालित करने का हक मिलना चाहिए और इसके लिए जो नेतागण हैं उन्हें जनता में अलग जगाना चाहिए और खुद बहुत ज़्यादा अगर कष्ट सहना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए तो ये जो एक प्रवृत्ति थी जहाँ पर तिलक एक जुझारू नेता के रूप में सामने आ रहे थे उसने आ, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया जिसमें कई मुस्लिम युवा भी सम्मिलित थे लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आ, जो हिंदू प्रतीकों के प्रयोग की आ, जो एक पूरी पूरी स्थिति या एक पूरा इतिहास तिलक के जीवन में मौजूद है वो एक ऐसा भाग है जिस पर अलग अलग तरीके से व्याख्याएं सामने आती रही हैं और जिसके बारे में वाद विवाद होता रहा है तिलक के बारे में हमें कुछ और पहलुओं को भी अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है तिलक सेकुलर शिक्षा के समर्थक थे और वो ये नहीं चाहते थे कि पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाए बच्चों को लेकिन उन्होंने हिंदू महिलाओं की ईसाई धर्म में धर्मांतरण का विरोध किया 1885 से ही उन्होंने ईसाई मिशनरियों की भूमिका को संदेह से देखना आरंभ कर दिया था पश्चिमीकरण का वो विरोध करते थे और भारतीय परिस्थितियों से उभरने वाले सुधारों का वो समर्थन करते थे तिलक ने स्वराज स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से क्रमिक सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया और वो कहते थे कि पश्चिमीकरण भारतीय समाज के लिए घातक है उनका यह मानना था कि भारत की आवश्यकताओं की हिसाब से धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए तो ये पहलू जिसके सामाजिक परिवर्तन की जब हम चर्चा कर रहे थे तब भी हम इसकी बात कर चुके हैं लेकिन जो मुख्य बात हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है वो ये है कि तिलक ऐसे विचारक के रूप में आते हैं जो कि सुधार के नाम पर पश्चिमीकरण को और धर्मांतरण को गलत मानते हैं और इसीलिए खासतौर पर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर उन्होंने पंडिता रमाबाई का विरोध किया था पंडिता रमाबाई ने खुद धर्मांतरण किया हालांकि उन्होंने यह कहा कि वो जिस तरीके के, के वृद्ध या विधवा महिलाओं के लिए जो आश्रम चला रही हैं वो महिलाओं के कल्याण के लिए है और धर्म के रूप में तटस्थ है लेकिन फिर भी वहाँ पर धर्मांतरण की चीज़ें हो रही थी बाइबिल की शिक्षा दी जा रही थी तो तिलक ने इसके कारण से उनका भी विरोध किया तो तिलक उस प्रवृत्ति का विरोध करते हैं जिसमें कि आ, देश में सुधार लाने के नाम पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के नाम पर पूरी तरीके से पश्चिम को या पश्चिम के धर्म को अंगीकार कर लिया जाए और वो क्रमिक सुधार का समर्थन करते हैं आर्थिक विचारों के संदर्भ में आ, तिलक के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण रूप में सामने आते हैं आ, जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसका भी उन्होंने समर्थन किया था और उन्होंने अपने समय के अन्य कांग्रेसी नेताओं की तरह ही दादा भाई नोरजी के ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन सिद्धांत का समर्थन किया आ, उन्होंने दादा भाई द्वारा वेलबी कमीशन को दिए गए प्रमाणों को आधार बनाते हुए लेख लिखा और इस बात पर जोर दिया कि अंग्रेजी शासन लगातार बेरहमी से भारतीय संसाधनों का दोहन कर रहा है और इससे भारत की दरिद्रता लगातार बढ़ रही है उन्होंने आर्थिक अन्याय का विरोध किया और कई मौक़ों पर मसलन अठारह में अकाल के समय लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष पर भी जोर दिया उन्होंने राष्ट्रवादी मंचों पर स्थायी बंदोबस्त और वित्त के विकेंद्रीकरण जैसे प्रस्तावों को आगे बढ़ाया इस लिहाज से अगर हम देखें तो हम यह कह सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनका जो आर्थिक चिंतन है वह अपने समय की जो पूरी व्यवस्था थी जिसमें कि अलग अलग तरीके की आलोचनाएं ब्रिटिश शासन के सामने आ रही थी वो उससे जुड़े हुए थे और वो उनका समर्थन कर रहे थे लेकिन इसके साथ ही वो एक कदम आगे जाकर इस बात पर जोर दे रहे थे कि विकेंद्रीकृत रूप में लोगों को अपने वित्त के प्रबंधन का अधिकार मिले और लोगों को जो ज़मीन का अधिकार है जहाँ पर वो खेती कर रहे हैं वो मिले और इसके साथ ही साथ जो स्वदेशी के स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं उनको बढ़ावा मिले बजाय इसके कि हम सिर्फ पश्चिम के सामान का उपयोग करें उनके आयातित वस्तुओं के लिए हम बाज़ार बन जाएं, वो इस बात पर जोर देते हैं और उस समय के अन्य सभी प्रमुख नेताओं के साथ साथ उनका स्वर सामने आता है कि हमारा ज़्यादा जोर अपने स्वदेशी जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने पर होना चाहिए अब यहाँ पर आ, कुछ चीज़ों को आ, मैं आपके सामने आ, रखना चाहूँगा उनकी आलोचना के रूप में कई प्रमुख बातों को मैंने वहीं पर आ, बताने की कोशिश की है जहाँ पर मैं उनका जिक्र कर रहा था मिसाल के तौर पर जब आ, हम हम बात कर रहे थे कि वो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह और स्त्रियों के विवाह के उम्र को बढ़ाए जाने आ, का कानून था तो उस पर तिलक किस तरीके का रवैया रख रहे थे तो वहाँ मैंने उसकी नकारात्मक पहलुओं को भी बताया था या तिलक के विचारों की सीमाओं को भी दर्शाया था लेकिन आ, हम यहाँ पर कुछ पहलुओं की बात कर लेते हैं हिंदू तत्व पर वो ज़्यादा जोर देते थे इसके बावजूद कि कई मुस्लिम नेताओं ने भी उन्हें आदर्श माना इसके बावजूद कि उन्होंने लखनऊ पैक्ट पर ज़्यादा जोर दिया वो ख़ासतौर पर अस्सी अठारह सौ अस्सी और नब्बे के दशक में इस बात को लेकर बिल्कुल ही एक दृढ़ निश्चय नज़र आते हैं कि अगर भारत के भीतर राजनीतिक जागरूकता लानी है तो वो राजनीतिक जागरूकता तभी आ सकती है जबकि जो भारत के लोग हैं और खास तौर पर उनका यहाँ तात्पर्य हिंदुओं से था वो अपने अतीत के बारे में जान लें अपने अतीत के नायकों के बारे में जाने वेदों के मूल्य के बारे में जाने गीता के संदेश के बारे में जाने तो यह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग नहीं था कई अन्य नेता इसी तरीके से की चीज़ों का को आगे बढ़ा रहे थे और तिलक जो थे वो पूरी तरीके से अल्पसंख्यक समूहों को अलग थलग करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे लेकिन कई बार यह एक सीमा के रूप में बात सामने आती है और मुस्लिमों के अलगाव की बात कही जाती है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं दूसरी एक आलोचना तिलक की यह कही जा सकती है और ये गर्म दल के नेताओं की भी आलोचना हो सकती है कि वो नरमपंथी नेताओं की योगदान को उस तरीके से स्वीकार नहीं कर पाए जिस तरीके से उन्हें स्वीकार करना चाहिए था निश्चित रूप से एक समय आते आते ऐसा लगने लगा कि जो नरम दल के नेता हैं चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हों सुरेंद्र नाथ बनर्जी हों या दादा भाई नौरोजी हों उनकी जो पूरी राजनीति है वो काफ़ी सीमित है और उस राजनीति से भारतीयों को बहुत ज़्यादा राजनीतिक अधिकार मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं है लेकिन अपने लेखन से अपने पिटीशन से लगातार बैठके करके जो नरम दल के नेता थे उन्होंने लोगों के भीतर जागरूकता भरने का काम किया एक अलग तरीके के निष्क्रिय प्रवृत्ति की धारणा को लेकर वो आगे बढ़ें जिस तरीके की मान्यता इसको मिलनी चाहिए थी शायद वो गरम दल के नेताओं के आलोचना के कारण नहीं मिल पाई तो ये भी एक आ, सीमा हम कह सकते हैं कि वो आ, नरम दल के नेताओं को कि योगदानों को सही तरीके से नहीं देख पाए और दूसरा ये कि सामाजिक सुधारों के मुद्दों पर भी एक अंतर्विरोध का शिकार दिखते हैं एक ऐसा अंतर्विरोध जिसके बारे में जिसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है सिवाय इसके कि वो अपने समय की परिस्थितियों से जुड़े हुए थे और चूँकि उनका पालन पोषण इस तरीके से हुआ था उनकी शिक्षा इस तरीके से हुई थी और वो कुछ खास मूल्यों को वास्तव में सही मानते थे जिसके कारण से वो उस तरीके से बदलाव की बात नहीं कर पाए और कई बार उन्होंने बदलावों का विरोध भी किया जिस तरीके की जरूरत हिंदुस्तान को उस समय थी और जिसकी मांगें भी सामने आ रही थी तो ये एक सीमा के रूप में उनके विचारों की सीमा के रूप में हमारे सामने आती है निष्कर्ष के रूप में हम यह ज़रूर याद रख सकते हैं या हमें यह याद रखना चाहिए कि वो एक ऐसे चिंतक थे जो कि राष्ट्रीय चेतना के उभार के आरंभिक दौर में उभर कर सामने आते हैं और वहाँ पर उन्होंने लगातार भारतीयों के भीतर अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेजों की दमनकारी शासन व्यवस्था को लेकर एक असंतोष की भावना भरने का काम किया उन्हें जगाने का काम किया वेलेंटाइन ने उन्हें भारतीय असंतोष का पिता कहा है और उन्होंने हर तरह की जो राजनीति थी उसके खिलाफ क्षमा प्रार्थी वो नहीं हुए खुदेराम बोस की का जिक्र हमने पीछे किया उनकी खर, उनकी क्रांतिकारी गतिविधि का उन्होंने खुलकर समर्थन किया और उन्होंने एक ऐसा आधार तैयार किया जिस पर आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी मजबूती से खड़ा हो पाया आ, सामाजिक सुधारों के बारे में वो कई तरह के प्रगतिशील मूल्यों को भी स्वीकार करते थे कई मूल्य कई पहलुओं पर उनकी सीमाएं भी सामने आती हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन वो सुधारों को लेकर आंख बंद करने के पक्षधर नहीं थे वो यह मानते थे कि पहले राजनीतिक आज़ादी मिल जाए या राजनीतिक शक्तियाँ मिल जाए, उसके बाद हम इस तरह के पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं और उनका जो नारा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा उसने आने वाली पीढ़ियों को लगातार स्वराज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भले ही औपचारिक रूप से ब्रिटिश संप्रभुता को पूरी तरीके से खत्म करने की बात नहीं की लेकिन उन्होंने एक ऐसे रास्ते की ओर जरूर भारतीय राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाया जिसकी आखिरी परिणति यही थी कि भारत के लोग पूर्ण स्वराज या पूर्ण आज़ादी की मांग करने लगे और आगे चलकर भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया आ, मैंने यह कोशिश की कि बाल गंगाधर तिलक के जीवन के साथ साथ उनके विचार के विभिन्न पहलुओं को मैं आपके सामने रख सकूं और जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े चिंतक जिन्होंने इतने सारे पुस्तकों की रचना की उनके सारे विचारों को उनके लेखन उनके संबोधन और उनके राजनीतिक गतिविधियों को एक घंटे के एक की एक चर्चा में पूरी तरीके से समेट पाना मुश्किल नहीं है लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि इस चर्चा के माध्यम से मैं आपको लोकमान्य तिलक के जीवन उनके कार्यों उनके विचारों और उनकी कार्यों और विचारों की सीमाओं के बारे में एक संतुलित जानकारी दे पाया हूँ जिसके बाद आप आगे इनके बारे में और पढ़ने की जिज्ञासा लेकर आगे जाएंगे और इनके बारे में और बातों को जानने का प्रयास करेंगे तो आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ और अगले अंक में हम एक अन्य आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक के कार्यों और जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार